जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद हामिद मजहब। अच्छा, कहाँ से आते हैं? मैं महाराष्ट्र परभणी से आता हूँ। अच्छा, तो जब आए थे आपको क्या क्या दिक्कत हो रही थी? मैं जब आया था तो मुझे थकन होती थी और मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था। मुझे डॉक्टर ने फिस्टुला करने के लिए कहा था, डायलिसिस के लिए। अच्छा, जब आपका पता मिल गया तो मैं आपके पास आया था। अच्छा, तो कहाँ से पता चला था हमारा? मुझे पता ऐसे कि व्हाट्सएप से आया था कहीं से पूछा। अच्छा, ठीक है। तो जब आप आए थे क्रिएटिनिन लेवल कितना था तब आपका? मेरा क्रिएटिनिन लेवल तकरीबन 8.5 के करीब था। 8.5 के? तो तब आपको डायलिसिस वगैरह बोल दिया था। हाँ, ठीक है। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको इलाज शुरू करने को? 3 महीने पूरे हो गए आपके पास। 3 महीने? अभी कितना है क्रिएटिनिन लेवल? अभी 5.5 है। 5.5? तो उस इन बिटवीन जैसे आपने मंथ ऑन मंथ कराया था, 8.5 के बाद कितना आया था? 8.5 के बाद मेरा 6.5 आया था, एक बार 7 आया था, एक बार 6.5 आया था, पिछले महीने में 6.5 था। अब 5.5 के आसपास है। ठीक है, यूरिया कम हो गया है। ये है इनकी रिपोर्ट्स जो लेटेस्ट हैं। इसके अंदर द क्रिएटिनिन लेवल इज 5.7 एंड यूरिया इज 62.1 यूरिया है। स्टार्टिंग में इनका यूरिया था 98, उसके बाद यूरिया डिक्रीज हुआ इनका 78, और अब जो है ये 62 के आसपास है। यानी कि ये रेगुलर और कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव कर रहा है। तो जब आप आए थे क्या क्या आपको दिक्कत तकलीफें हो रही थी? दिक्कत तो नहीं होती थी, ऐसे पैरों पर हाथ पे सूजन लगती थी और थकन होती थी। थकन थोड़ी, अभी थकन कम होती है लेकिन सुबह में रहती है ये स्वेलिंग। पैरों में सूजन हुई थी पहले? हाँ, पैरों में शुरू में थी सूजन, अभी नहीं। बहुत अच्छी बात, ज्वाइंट पेन थोड़े से होते हैं, इसके लिए मैं इलाज करता हूं। ठीक है, ये है इनकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR की रिपोर्ट जो हमने कराई है इनकी, और इसके अंदर जो GFR है दैट इज़ अबाउट 16.5 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है। एंड बोथ द किडनीज आर नॉर्मल इन साइज, किडनी का जो साइज़ है वो दोनों का इनका नॉर्मल है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट साइज ऑफ द किडनी इज नॉर्मल एंड अलॉन्ग विद दैट द GFR इज आउट ऑफ द डायलिसिस प्रोटोकॉल। खाने पीने का परहेज भी कर रहे हैं? खाने पीने का परहेज वही कर रहे हैं लेकिन खाने में तो कुछ नहीं आ रहा था। मैं आपको दोबारा एक बार डाइट चार्ट दोबारा चेंज हो बता। ठीक है।